अदरवाइज कलयुग चल रहा है, यहाँ अपने कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। भविष्य मालिका उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है भैया हमको देखे गए। संत जी ने भविष्यवाणी की है, वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए डेंजरस टू डेंजर है। दुनिया के भविष्य को लेकर आज से पहले कई भविष्यकर्ताओं ने कई भविष्यवाणी की है। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद दास था। इन्होंने भविष्य मालिका के नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और अंत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। कई तरह की भविष्यवाणी थी। इस संत के बारे में प्रसिद्ध था कि ये भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। वैदिक शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का समूह हुआ करता था जिसे पंच सखा के नाम से जाना जाता है। इन 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी जिसमें से एक भविष्य मालिका थी जो काफी लोकप्रिय थी और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया था। इस ग्रंथ में लिखी हुई कई बातें एकदम सटीक सिद्ध हुई है। दरअसल भविष्य मालिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है जिनमें कहा गया था जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, वहाँ पे आसपास जो प्राचीन पेड़ है वो ध्वस्त हो जाएगा और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर बैठेगा। इस तरह तमाम तरह की भविष्यवाणियों के साथ साथ भविष्य मालिकाएं की कलयुग के अंत के होने की तरफ इशारा करता है और कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणी की गई है। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर एक भविष्यवाणी ये भी की गई थी कि 2030 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें 7 दिन अंधेरा छा जाएगा जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। आइए जानते हैं भविष्य मालिका में क्या क्या भविष्यवाणी की गई है। नंबर 1, दुनिया में होगा 3रा विश्व युद्ध। हम सभी मौजूद समय में देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देशों में हिस्सों में बट रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया के कई देशों में ग्रह युद्ध हो रहे हैं या फिर ग्रह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई थी कि इन ग्रह युद्धों और 2 देशों के बीच लगातार चल रहे युद्ध के चलते 3रा महाविश्व महायुद्ध मुहाने पर एकदम पास खड़ी हुई है। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी जिसमें लोग कीड़े की तरह मरेंगे और समूची दुनिया में आबादी लगभग 64 करोड़ बच जाएगी। नंबर 2, आसमान में दिखाई देंगे 2 सूरज। भविष्य मालिका में 3रे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ ये भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूरज दिखेंगे। दुनिया में इस तरह की घटना का इशारा करती है कि कलयुग अपने चरम सीमा तक अग्रसर हो रहा है। भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से उड़ीसा राज्य पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में भी 2 सूरज दिखने का दावा किया गया था। 3रा नंबर, कलयुग 3 चरण के होंगे। धरती पर तबाही को लेकर भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरण में होगा। पहला चरण कलयुग का अंत होगा, दूसरे चरण में समूची धरती का महाविनाश होगा और तीसरे चरण में नए युग का प्रारंभ किया जाएगा। 4था नंबर, बदल जाएगी धरती की धुरी। भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव का इशारा किया जाता है। इसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदली हुई धुरी पर काम करेगी। इसके कारण पृथ्वी में समय समय पर बड़े बड़े भूकंप नजर आएंगे। खेती करना होगा असंभव। समय के साथ साथ लोग धीरे धीरे खेती करना भी बंद कर देंगे। इस कारण से धरती पर अनाज फल और सब्जियों का अकाल पड़ जाएगा। भविष्य मालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि किसानों का खेती से एकदम मोह खत्म हो जाएगा और फसल उगाने की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे। साल 2030 में पहले घटेगी ऐसी घटना। भविष्य मालिका में आने वाले कुछ वर्षों में कुछ तरह की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है कि धरती पर 2022 और 2030 के बीच में भयानक
प्राकृतिक आपदा आएगी जिसके कारण 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। ये घटना 2030 से पहले कभी भी घट सकती है। आपको बता दें कि भविष्य मल्लिका में कोरोना को लेकर भी कई भविष्यवाणी की गई थी जो सच साबित हुई है। ये वीडियो मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ पर हमने जो बातें आपको बताई है वो सारी बातें भविष्य मल्लिका किताब में लिखी गई है।